मंदिर बनवाने का गरीब आदमी को मदद करते, जब राम मंदिर बन पूरे तो बच्चे का घर बैठे रहे राम मंदिर बनवा दिया। और क्या हुआ है 5 साल में, क्या हुआ है लॉकडाउन में आदमी मरे? महेश शर्मा जी को अस्पताल के मालिक हैं जी। कैलाश के इतना जानते हैं, सांसद के रूप में कभी कभी नाम सुना था, पोस्टरों पे तो बहुत अच्छा देखा है ना। वैसे आए थे अभी गांव से, हम लोगों ने भगाया उनको, भगाया क्योंकि जो है उनके दर्शन ही नहीं होते थे, दिया लेकर के घूमो ऐसे ऐसे ढूंढो चारों तरफ, मिला जैसा आदमी नहीं आता, ऐसा मिलना चाहिए ना, सब चीज़ की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों है इस देश का हाल बताओ, ना नौकरी है ना बच्चों के पढ़ाई लिखाई, 2 साल की बेकार गई लॉकडाउन में, क्या हुआ है ना राशन है। जीतेगी मोहब्बत से जीतेगी, 400 पार आएगी, ठोक का वोट योगी को जाएगी मोदी को। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, पहले चरण की वोटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, 26 अप्रैल को दूसरा चरण है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हम लोग इस वक्त ग्रेटर नोएडा के एचर में मौजूद हैं, जहां पर हम आम जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए गौतम बुद्ध नगर की सीट के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि बीजेपी ने अब की बार भी महेश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि 2 बार से यहां से जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो महेंद्र नागर को उन्होंने अब की बार चुनावी मैदान में उतारा है, और बीएसपी ने अब की बार राजेंद्र सोलंकी को टिकट दिया है। देखिए आम जनता से हम लोग बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विकास जो है वो कहां तक हुआ है 10 सालों में। 10 साल क्योंकि एक लंबा वक्त है, लेकिन हम 5 सालों की बात करेंगे। आप यही रहते हैं? हाँ जी रहते हैं। महेश शर्मा को जानते हैं? हाँ, यहाँ के देखा है कभी आपने? बिल्कुल, मिले भी है। कहाँ मिले थे, क्या करना है? हमारे सेक्टर में आए हुए थे वोट मांगने। अच्छा, हाँ जी। काम हुआ है या सिर्फ वोट ही मांगने आए? नहीं हुआ है काम। काम क्या काम हुआ है पिछले 5 साल? हमें जहाँ तक अपना फील होता है कि गुंडागर्दी थोड़ा कम हुआ है, आराम से घूम रहे रात में भी, बस हुआ है, बाकी तो ड्यूटी करते हम। अच्छा, जानते हैं महेश शर्मा जी? महेश शर्मा जी को अस्पताल के मालिक हैं जी, कैलाश के इतना जानते हैं, सांसद के रूप में कभी कभी नाम सुना था, पोस्टरों पे तो बहुत अच्छा देखा है ना। वैसे आए थे अभी गांव से, हम लोगों ने भगाया उनको, भगाया भगाया क्योंकि जो है उनके दर्शन ही नहीं होते थे, दिया लेकर के घूमो ऐसे ऐसे ढूंढो चारों तरफ, तो इससे अच्छा है कि कम से कम जो है ऐसे प्रतिनिधि को हम चुने अपने, कि जो हमारे साथ रहे, हमारे काम करे सारी चीज़ें, उनसे तो मिलने जाए कि हमारा कोई काम है, अस्पताल है, कम से कम जाए कुछ, हम आपके वो है, हमने चुना है, हमारे लिए अस्पताल है तो अपना अस्पताल समझ के जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं था, प्राइवेट अस्पताल है जैसे, सब प्राइवेट है वैसे उनका भी, तो हमारे लिए उन्होंने क्या किया? हमारे लिए कुछ किया? फ़ोटो ना खींची, हमारे लिए कुछ किया? बस ये है कि हाँ नाम है, हाँ शर्मा जी, मैं भी पंडित हूँ, अभी शर्मा है पंडित है, पंडितों के पंडित कह रहे हैं। लग रहा है आपके पास राजेंद्र सोलंकी महेंद्र नागर टक्कर दे पाएंगे उनको? इस समय जो है सोलंकी जी का चल रहा है। अच्छा। मायावती जी ने गेम खेला बहुत बढ़िया। अच्छा। लेके आए ठाकुरों का पूरा खुर्जा, पूरा बेल्ट सब जा रहा है। आज जो है रोड शो भी था नागर जी का, उन्होंने किया रोड शो, बस पटाखे फूट रहे हैं, बस आगे आगे भीड़, बस फूल फेंके जा रहे, बोरे में भर भर फूल, खुद लाया जा रहा, खुद दिया जा रहा फेंको, तो ये बनावटी सारी चीज़ें हैं, बनावटी कागजों के फूल हैं। देखिए इस बार क्या होता है, जन रुझान तो ये है। महेश शर्मा जी के बारे में मतलब अब की बार यहाँ की जनता रुष्ट है, थोड़ी सी परेशान लग रही है? रुष्ट कोई नहीं है, दिखाने के लिए मुंह पे तो सब बोलेंगे सब ठीक है, लेकिन जाने के बाद उनके बारे में पूछे तो पता चले। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जानती है महेश शर्मा जी को? जानती है? हाँ जी जानते हैं। कैसे जानती है, कौन है वो? यहाँ के, वो यहाँ पे सांसद। हाँ जी। तो देखा है आपने कभी आते हुए? देखा तो नहीं है। देखा नहीं है? नहीं। क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताओ आप क्या करते हो? मैं तो ये छोटी सी दुकान करके बैठी हूँ। हाँ। सही इनकम वगैरह सही होती है इससे? मैम बस त्योहारों पे ही होती है, नहीं तो वैसे ही मार्क्स वाक्स बेचती हूँ। रहते कहाँ पर हो? मथुरापुर में, ग्रेटर नोएडा। यहाँ से कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। हाँ। ग्रेटर नोएडा में आते हैं? हाँ जी। तो महेश शर्मा जी तो यहाँ के सांसद है, पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है आपके लिए? कुछ भी नहीं हुआ मैम, मेरा तो राशन भी नहीं बंधा। राशन कार्ड भी नहीं? नहीं, ना मेरे 3 बच्चे हैं और मैं विधवा हूँ। अच्छा। ना मेरे घर राशन कार्ड है, और यहाँ से कमेटी वाले आते हैं तो कमेटी वाले उठा देते हैं। हाँ।
कमाने का कोई जरिया ही नहीं है तो बच्चों को कहाँ से पालेंगे हम। ना मेरी बोट आती है, सन 2010 से रहते हैं यहाँ, ना मेरा राशन है, ना मेरे बच्चों का कुछ भी है। बनवाने की कोशिश की आपने? करी मैंने, 3.5 साल हो गए मेरे दादरी में ब्लॉक में गए हुए। अच्छा। हाँ, क्या तुम्हारा चढ़ा ही नहीं है राशन कार्ड, और मुझे तो कुछ सुविधा लगती नहीं है। मतलब मिलना जैसा आदमी नहीं आता, ऐसा मिलना चाहिए ना, सब चीज़ की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों है इस देश का हाल बताओ? हाँ, कुछ होगा नहीं। सरकार में सब कुछ मिलता था, हाँ, विद्वान को भी, बिगर विद्वान को भी सारा। बेकारी हुई है, विकलांग है वो बैठी हुई, आज तक इसे नौकरी भी नहीं मिली, ऐसा क्यों है? छोटी सी दुकान बताओ, 32 साल की है, शादी भी नहीं करी अभी, कोई समाधान होएगा नहीं होएगा? ये छोटी सी दुकान है, इसमें कुछ होगा बताओ? दोनों माँ बेटी हैं मेरी, 65 साल उम्र हो रही है, बाप है नहीं इसका, तो इन लोगों के लिए कुछ होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। अब इसकी नौकरी कहाँ चलेगी इतने दिनों में, कभी अप्लाईमेंट में भी नाम है, सब कुछ है, तो वो नौकरी कहाँ जा रही है सब? ना बच्चों की पढ़ाई, 2 साल लॉकडाउन में हो गए बच्चे, इनको घर बैठे बैठे लोग, कुछ भी नहीं हुआ मेरे बच्चों का भी। 5 साल में महेश शर्मा जी को जानती हैं आप, ये बताइए? महेश तरह से जानते हैं, देखा है कभी आपने? देखा, हमारी कॉलोनी में भी आए थे, कॉलोनी में भी आए थे। कोई विकास कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ? करा होगा जिनके लिए करा होगा, सड़क, ये सड़क हुए, रोड हुए, फ्लाई ओवर हुए, इन्हें घर का क्या करे? जब बच्चे इधर उधर घूम रहे पढ़ पढ़ के बीए, वो लड़की ने बीए कर रखी है, वो देखो पीछे बैठी हुई है, हैंडीकैप है, कितनी मेहनत से उसे पढ़ाया लिखाया, अब रोड और ये सब धर के क्या चाट है, जब बच्चे के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, करो कुछ तो करो। सारी नौकरी पेपर वेपर सारे बेकार हो गए बच्चों के, क्या हुआ है? कुछ नहीं, हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं है। मोदी सरकार में कोई काम नहीं हुआ? ना नौकरी है, ना बच्चों के पढ़ाई लिखाई, 2 साल की बेकार गई लॉकडाउन में, क्या हुआ है? ना राशन है, ना बच्चों के भविष्य का कुछ भी, ना बताओ, पास कर दिया बगैर पढ़े। राशन तो है, राशन भी है, काम उन्होंने करा, ये नहीं कह रहे कि काम नहीं करे, थोड़ा सा काम, ऐसी बात नहीं, काम करा है, लेकिन थोड़ा राम मंदिर बनवाने का, गरीब आदमी को मदद करते, जब राम मंदिर बन पूरे तो बच्चे का घर बैठे रहे, राम मंदिर बनवा दिया, और क्या हुआ है 5 साल में, क्या हुआ है? लॉकडाउन में आदमी मरे। शर्मा ने काम अच्छा करा था, और ये बात नहीं है, काम तो उन्होंने करा है, लेकिन थोड़ा ना पब्लिक पे भी ध्यान देना चाहिए, ना पब्लिक को पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पब्लिक पे ध्यान देना चाहिए। अभी ये बताओ कि क्या जी कहता, मैं राशन कार्ड के लिए घूमी हूँ दादरी में, जब भी जिस पे भी जाओ 100 रुपये दो, जिस पे भी जाऊँ यहाँ राशन कार्ड के उस पे जाऊँ 200 रुपये दो, फिर यहाँ गई हूँ, फिर यहाँ के 200 रुपये दो, फिर उस पे गई हूँ क्या नाम है जनसेवा केंद्र पे, उस पे भी पैसे दिए, फिर दादरी में कई बार चक्कर लगाए, बताओ राशन कार्ड के लिए कुछ नहीं मिला है? अपने बच्चों को तो पालना पड़ता ही है। ठीक है, ठीक है, क्या ख्याल है सरकार की? ठीक है, सरकार अच्छे काम कर रही है, वैसे कोई दिक्कत ना है फिलहाल, बढ़िया चल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। महेश शर्मा को जानते हैं? जानता हूँ। कौन है? मनीष शर्मा, महेश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर के प्रत्याशी। जानता हूँ, प्रत्याशी नहीं है, सांसद है, प्रत्याशी के प्रत्याशी भी है, सांसद, हाँ सांसद प्रेजेंट में, प्रत्याशी भी। देखा है कभी? बिल्कुल मिले भी हम तो, बिल्कुल मिले। बढ़िया काम करा उन्होंने? हाँ, अच्छा काम किया है महेश शर्मा जी। जी, अगर ऐसे पूछा ऐसे तो मैं बता दूंगा, जीतेंगे आपकी बार, जीतेंगे आपकी बार। अरे बहुत अच्छे वोटों से, ठीक ठाक वोटों से, कुछ जनता तो त्राहिमाम, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। हाँ जीतेंगे, बिल्कुल जीते हैं। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे, पीछे पीछे आ रहे हैं, बताइए क्या क्या समस्या है? बीजेपी जीतेगी, मोहब्बत से जीतेगी, 400 पार आएगी, ठोक का वोट योगी को जाएगी, मोदी को। ठीक है, आप जब मैं बातचीत कर रही थी, बातचीत कर रही थी, उन्होंने एक भी बात अच्छी नहीं करी, कि राशन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ऐसा वो अपनी तकलीफें बता रही थी ना। मैडम जी एक बार बताओ, मैडम जी एक बार बताओ, ऐसा कोई है जिसका राशन नहीं मिला, फ्री में राशन मिल रहे हैं सबको, फ्री में उनको फ्री में मिल रहा है जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, बिना राशन कार्ड वालों को नहीं मिल रहा है? जब बनवाओगे जब तो बनेंगे, वो योगी जी या मोदी जी तो आएंगे ना राशन कार्ड लेके, यहाँ कनक लो जी बनवाओ।
बनवाओ ना, मेहनत करो। देखा है महेश शर्मा को आपने? खूब देखो। जीतेंगे आपकी बात? बिल्कुल, मोहब्बत से एकदम। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? नए आए हैं। तुम नए हो? तुम जानते हो महेश शर्मा को? हाँ। कौन है? सांसद हैं। कहाँ के हैं? गौतम बुद्ध नगर के। अच्छा, कितनी बार देखा है? एक बार। एक बार देखा है? कब देखा, कब आए? कब, दो तीन साल हो गए। क्या करने आए थे यहाँ पे? भाई वोट मांगने आए थे। दो तीन साल पहले वोट मांगने आए थे? ना, पाँच साल पहले। पाँच साल पहले वोट मांगने आए थे? हाँ। तो अब की बार आए वोट मांगने? अब की बार ना देखा मैंने, अब की बार बस महेंद्र नागर को देखा। महेंद्र नागर, तुम तो वोट के, लेकिन लगता है तुम्हारे 18 साल उम्र, कितने साल के हो तुम? वोट दोगे? मैं ना दूंगा, 12 साल का हूँ मैं तो बस। तो कैसे पता ये महेंद्र नागर कौन, कहाँ, किस पार्टी से है महेंद्र? समाजवादी पार्टी। अच्छा, ये किसने बताया? हमारे सेक्टर में आए थे। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? सिक्स्थ। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? JRS मॉडर्न स्कूल। कितने सब्जेक्ट हैं तुम्हारे पास? सब्जेक्ट 8। कौन कौन से? SST, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, GK, EBS, ड्राइंग, मैथ। क्या बात है, देखो ये बच्चा कितना अच्छे से सारी चीज़ों को जानता है। ये बताओ, वोट कहाँ डालेंगे आपके बार घर वाले? सरकारी स्कूल में, वरना हमारे सेक्टर के अंदर एक स्कूल है वाई में। हाँ, सब मतलब महेंद्र नागर को वोट डालेंगे ना? ज़्यादातर तो BJP को डालेंगे। क्यों? BJP अच्छा काम करती है। अच्छा, क्या काम करती है जैसे BJP ने? BJP ने राम मंदिर बनवाया। हाँ। काशी को बहुत अच्छा बनवाया। अच्छा, BJP आई है अब की बार। देखिए, ग्रेटर नोएडा के HR में हम लोग मौजूद थे, जहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी कि आम जनता के दिल में क्या कुछ है। अब की बार महेश शर्मा तीसरी बार यहाँ से हैट्रिक लगाते हैं, या फिर महेंद्र नागर या राजेंद्र सोलंकी में से कोई एक है जो अब की बार यहाँ की लोकसभा सीट पर जीतकर यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, ग्रेटर नोएडा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।